गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद, मतलब आई थिंक 2-3 महीने हो गए, कोई हॉल, कोई ब्लॉग, कुछ भी मैंने अपलोड नहीं किया। थोड़ी बहुत शॉर्ट्स अपलोड किए हैं और लास्ट कुछ महीने से ऐसे ही चलता रहा है। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। और आज क्योंकि इतना अच्छा दिन है तो मैंने सोचा आज फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो आज हम लेने जा रहे हैं एक और न्यू कार। लास्ट टाइम मेरे ससुराल साइड में ली थी, मतलब हमने ली थी। इस बार जो है मेरे मायके में मम्मी और लक्की ये लोग ले रहे हैं। तो कौन सी कार है, क्या है, ये आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और अभी हम लोग बिल्कुल रेडी है, वेट कर रहे हैं कैब का, क्योंकि लक्की को भी इतनी अच्छे से ड्राइव करनी नहीं आती है, तो ये ही ड्राइव करके लेके आएंगे। तो बस कैब जैसे ही आती है वैसे चलते हैं और गाड़ी को लेके आते हैं। पहुंच चुके हैं शोरूम और देखते हैं हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी है या नहीं। अभी हम शोरूम पहुंच चुके हैं और गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज लगना बाकी है, तो वो अभी कंप्लीट हो रही है। और शोरूम देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन सी गाड़ी है, और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सी गाड़ी ली है। तो अभी यहाँ पर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो नहीं आई है, और बिना नंबर प्लेट के ये लोग गाड़ी नहीं दे रहे हैं। और हमें काफ़ी भूख भी लग रही है क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी सैंडविच ऑर्डर करिए, वो खाते हैं और फिर गाड़ी देखते हैं कितना और टाइम लगेगा। मेरे बहुत तेज सर में दर्द होने लग गया भूख के कारण। तो जी, आ चुकी है हमारी सैंडविच, और सभी भूखे प्राणियों की शक्ल आप देख सकते हैं, भूख के मारे सबकी हालत ख़राब है। अभी यहाँ पे चल रहा है कुछ पेपर वर्क और अभी भी गाड़ी हमें नहीं मिली है। 10 मिनट करते करते इन्होंने 4:30 बजा दिया और अब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ सच में। तो फाइनली वो समय आ गया जिसका हमें मॉर्निंग से इंतज़ार था, गाड़ी हमें मिल गई है और हमने ली है वेन्यू। अभी मैं आपको अच्छे से पूरी गाड़ी दिखाती हूँ। तो जी, नई नई गाड़ी में बैठ के अब हम लोग निकल गए हैं गणेश जी के मंदिर के लिए, जो कि मोती डूंगरी के नाम से फेमस है। आपको मैंने लास्ट जब हमने गाड़ी ली थी, मतलब लास्ट ईयर जब हमने गाड़ी ली थी तब भी मैंने आपको बताया था, और मुझे भी अप्रैल में 1 ईयर हो जाएगा वहाँ गए हुए। तो मैं भी दर्शन करती हूँ और मेरे साथ आप लोग भी कीजिए।
हमारे दर्शन वगैरह हो गए हैं और गाड़ी की जो भी चीज़ें होती है मंदिर में वो सब हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम निकल गए हैं घर के लिए। तो आके मैंने फटाफट चेंज भी कर लिया है क्योंकि मुझे गाड़ी की पूजा भी करनी थी एंड मॉर्निंग में मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी और ब्लैक में पूजा नहीं होती है तो सबको ही पता है, तो इसलिए आके मैंने फटाफट चेंज कर लिया, जो मिला मैंने वही पहन लिया क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी ऐसा पहनने का। मैं लेके तो आई थी दूसरा सूट, यहाँ पर आंटी जी मुझे बता रही है कि कैसे पूजा करनी है तो वही मैं कर रही हूँ। और अभी जो है सोसाइटी में रोड का काम चल रहा है और बारिश भी आई थी तो इस वजह से पानी काफ़ी अभी भरा हुआ है और ये जो टाइम होता है ये होता है बेटियों की कमाई का, तो मेरी भी थोड़ी बहुत कमाई यहाँ पे हुई है। अभी हम निकल रहे हैं मेरे ससुराल के लिए और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।